ये जो आज घटना हुई है यहाँ पर, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो सबके सामने स्पष्ट है कि ये किस दबाव में किया जा रहा है। अगर फैमिली के ऊपर इतना दबाव ना होता तो आप यहाँ पे पुलिस भी देख सकते हैं, पेरेंट्स के साथ किसी को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। किस दबाव में आके उनके ऊपर क्या प्रेशर डाला गया होगा ये सभी को मालूम है, क्योंकि ये मुद्दा, ये देश, ये दिल्ली की बेटी नहीं है, ये दिल्ली कैंट की बेटी नहीं है, ये नांगल की बेटी नहीं है, पूरे देश की बेटी है। और इस बच्ची के लिए इंसाफ हर इंसान मांग रहा है। आपका नाम? मैं नताशा शर्मा हूँ, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस से नेशनल कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया, और मैं एक्स कैंडिडेट काउंसलर हूँ जनकपुरी से। यहाँ पर जो इस वक्त जो घटना घटी है और काफ़ी आक्रोश भी लोगों में, आप भी अभी आई है यहाँ पर, आपने भी बहुत विरोध प्रदर्शन किया है, जगह क्या करनी चाहिए? देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो छोटी बच्ची है उसको इंसाफ मिले। इतनी फास्ट ट्रैक्स बनाने का क्या फ़ायदा, जो 7-7 साल तक जो दोषी हैं उनको सज़ा नहीं मिलती है। पहली बात तो देखिए, ये दिल्ली राजधानी है और राजधानी जो है उसका रुतबा अलग होता है। यहाँ पे महिला सुरक्षा ही नहीं है, महिला सुरक्षा तो थी नहीं, आज बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। छोटी छोटी बच्चियाँ अगर सुरक्षित नहीं है हमारे देश में, तो फिर आप कहाँ अपने आप को सुरक्षित समझते हैं? और इस बच्ची के साथ जो अपराध हुआ है, जो आज ये घटना घटी है, ये केवल और केवल मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार की विफलताओं को दर्शाती है कि किस प्रकार से ये फ्री पानी, फ्री वाईफाई करने से कुछ नहीं होता है, 10 लाख मुआवजा देने से कुछ नहीं होता है। हमको महिला सुरक्षा चाहिए, अपने बच्चे सुरक्षित चाहिए, अपने घर की बेटी सुरक्षित चाहिए। जी मैम, गवर्नमेंट का अभी तक इस पर कोई खास स्टैंड हुआ नहीं? आप बताइए, गवर्नमेंट का यहाँ स्टैंड नहीं है तो आप बताइए ना कि देश किस हालात से गुजर रहा है। जब मनमोहन सिंह सरकार थी तो ये स्मृति ईरानी थी जो चूड़ियाँ लेकर बैठ जाती थी हर जगह, और आज इनके पास चूड़ियाँ ख़त्म हो गई क्या नरेंद्र मोदी जी को देने के लिए? मोदी जी का एक ट्वीट, एक इस बच्चे के लिए, कोई भाजपा का कोई नेता नहीं आया यहाँ पे, केंद्र की सरकार और पूरा पुलिस प्रशासन उनके अंडर है। और केजरीवाल को साथ में अपने हाथ में चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए, क्योंकि वो तो जब होता है अपनी कोई भी विफलता है वो केंद्र सरकार के सर मंड दी जाती है। लोगों को ना फ्री पानी चाहिए, मैं फिर बता रही हूँ, ना फ्री वाईफाई चाहिए। ये फ्री 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 का चक्कर दिखा के ना 10 लाख रुपया देने से क्या बच्चे की जान वापस आएगी क्या? पैसों से तोड़ सकते हो क्या आप बच्चे की जान को? केजरीवाल की विफलताएं हैं, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, जब वह बताती थी कि पुलिस मेरे कंट्रोल में नहीं है तो सबसे पहला ट्वीट केजरीवाल जी का आता था। आज इनके कानों में जू नहीं रेंगती 9 साल की बच्ची, उनके घर में भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, क्या इनकी रूह नहीं कांपती देखते हो कि उस बच्ची का एक मतलब जो एक प्रॉपर तरीके से जो होना चाहिए था आज संस्कार हो रहा है, वो भी दबाव में जाकर? क्या वो माँ बाप अपनी बच्ची को वापस ला पाएंगे? मैम, एक और आखिरी सवाल है कि यहाँ पर अब आगे जो है, क्योंकि सब लोगों में काफ़ी आक्रोश है इस चीज़ को लेकर के, आप इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो ये, मुझे तो उस बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। और ये तो केंद्र सरकार और केजरीवाल जी जवाब दें कि आज ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अगर इन्होंने उस बच्ची की बॉडी के जो है वो जाँच करवाई है तो वो पूरी दुनिया और जनता के सामने क्यों नहीं रखी गई? ऐसा क्या है कि इसको छुपा के और दबाव में किया जा रहा है? आप ये बताएं कि जब एक पुजारी की हत्या हो जाती है तो मीडिया भी सड़क पे नजर आता है, आज आपको कोई नजर आया टीवी पे टॉपिक पे बात करता हुआ? लेकिन अगर वही कांड एक पुजारी कर देता है तो सिस्टम को लकवा मार जाता है, क्यों और आखिर कब तक, और कब तक बर्दाश्त करें हम इस अपराध को? और मैं ये कहती हूँ कि अगर इनसे नहीं होता ना तो इन सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।